नीट पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ी टिप्पणी की गई है। बड़े पैमाने पर पेपर लीक नहीं, ये बड़ी बात कही गई है। सिर्फ पटना हजारीबाग में पेपर लीक की बात कही गई है। नीट परीक्षा में व्यवस्थागत चूक नहीं हुई है, सुप्रीम कोर्ट की ये बड़ी टिप्पणी। नीट परीक्षा पेपर लीक का जो मामला गरमाया हुआ था, उसमें सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये बड़ी बातें कही गई है, जहां पर यह सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि बड़े पैमाने पर पेपर लीक नहीं हुआ है। आपको बता दें, नीट को लेकर लगातार हंगामा बना हुआ है और इस पर छात्र लगातार मांग कर रहे हैं, क्योंकि पेपर की शुचिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में ये मांग की जा रही थी कि इन्हें कैंसिल कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस बीच यह बड़ी टिप्पणी सामने आई है, जहां कहा गया है कि बड़े पैमाने पर पेपर लीक नहीं हुआ है, केवल पटना हजारीबाग में पेपर लीक की बात को माना गया है। नीट परीक्षा में व्यवस्थागत चूक नहीं है, ये बड़ी बात भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई है। इस मामले में कोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है। छात्रों की दलीलें हैं कि इस पूरे मामले में नीट की परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए, और ऐसे में जो सुनवाई हो रही है उस पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ी टिप्पणी की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि बड़े पैमाने पर पेपर लीक नहीं हुआ है, यही दलील लगातार दी भी जा रही थी। एनटीए भी अपनी सफाई में यही बात कह रहा था कि कुछ अनोमलीज हो सकती है, लेकिन बड़े पैमाने पर पेपर लीक की बात को कबूला नहीं जा रहा था। पीयूष पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। पीयूष, और क्या कुछ कहा गया सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी? देखिए प्रतिमा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जो सिस्टमैटिक ब्रीच है वो नहीं था, और जो पेपर लीक था वो सिर्फ पटना और हजारीबाग तक सीमित था। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द नहीं की। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त राधाकृष्णन विशेषज्ञ समिति के लिए अतिरिक्त नियम और शर्तें निर्धारित की हैं। साथ ही परीक्षा सुरक्षा के लिए एसओपी तैयार करने का भी निर्देश दिया है। और इसके अलावा जो इंटरनेट पर वायरल किया गया था कि किसी भी तरह से पेपर जो लीक है वो ऑनलाइन हुआ है, तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऑनलाइन भले ही नहीं लीक हुआ था, लेकिन इस दिशा में हमें सुरक्षा और पुख्ता व्यवस्था की जरूरत है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा और इसकी प्रक्रियाओं की पवित्रता जो है वो पूरी तरह से सुदृढ़ होनी चाहिए, और जो व्यवस्था है उसको विकसित करने की जरूरत है। उम्मीदवारों के प्रति सरकार और जो भी व्यवस्था करते हैं वो जिम्मेदार हैं, और ऐसी स्थिति में किसी भी सूरत में पेपर लीक की घटना नहीं होनी चाहिए। बड़ी बात बता रहे हैं पीयूष पांडे, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो पीयूष बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में साफ कर दिया है कि बड़े स्तर पर यह पेपर लीक नहीं हुआ है, केवल पटना और हजारीबाग में ही पेपर लीक हुआ है।